बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या नामक नगर में एक धर्म प्रेमी राजा राम शासन कर रहे थे। गांव वाले खुशहाल थे, लेकिन उनकी खुशियां एक दिन बदल गईं। राजा राम की पत्नी सीता को रावण नामक राक्षस ने काबू में कर लिया। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वनवास में निकल पड़ा। वहां वे अनेक राक्षसों और दुराचारियों के सामने अपनी भक्ति, संघर्ष और साहस का परिचय दिया। उनका पराक्रम और धर्मनिष्ठा उन्हें जीत की ओर ले जाते हुए उनके भक्तों की सेना के साथ रावण के प्रदेश लंका का आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते हैं। दशहरा के दिन राम ने अपनी सेना के साथ लंका के रावण के राजमहल का हमला किया। एक घटक युद्ध के बाद राम ने रावण को अपने वज्रायुध के द्वारा मार गिराया। इससे दुराचारी राक्षस की मृत्यु हो गई और धर्म की विजय हुई। अयोध्या में खुशियों का उत्सव मनाया गया। लोग आपस में खुशियां बांटते हुए, प्यार और समरसता का पालन करते हुए दशहरा का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार शक्ति, साहस और धर्म की जीत की प्रतीक्षा है।